नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों काफी दिनों बाद कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं लॉकडाउन के बाद एक बहुत ही बड़ी भर्ती आ गई। जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस ने अपने कंबाइंड ग्रामीण बैंक की जो भर्ती होती है, जिसको कि आप आरआरबी के नाम से भी जानते हैं, उसका नोटिफिकेशन आज यानी कि 30 जून को शाम को लगभग जो है जारी कर दिया गया है। और मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि आपको इसका आवेदन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ और बैंक वाइज प्रिफरेंस की भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले नंबर वन वेबसाइट rozgarresult.com को ओपन करना है। दोस्तों ध्यान दें, rozgarresult.com बहुत ही ट्रस्टेबल, जेन्युइन और बहुत ही तेज अपडेट होने वाली वेबसाइट। आप इसका एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे आपको सारी जानकारी मिल सकती है। दोस्तों आप देख सकते हैं आईबीपीएस आरआरबी के आज 4 फॉर्म जारी हुए हैं, जिसमें कि ऑफिसर स्केल 1 है, 2 है, 3 है और साथ ही साथ ऑफिस असिस्टेंट है। तो दोस्तों अब यहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले आपको एक और वेबसाइट बता देते हैं, फिर फॉर्म भरने पर चलते हैं। दोस्तों हमारी दूसरी वेबसाइट है sarkaririzult.com। दोस्तों एक चीज का ध्यान मैं आपकी हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूंगा, सरकारी रिजल्ट जब भी खोलिए लास्ट में .com जरूर चेक कीजिए, क्योंकि सरकारी रिजल्ट नाम से मिलती जुलती बहुत सी डुप्लीकेट और फेक वेबसाइट है, जिसमें आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी, आप बिना मतलब परेशान होंगे, सब कुछ उसमें गलत रहता है। इसलिए सही वाली वेबसाइट खोलिए, sarkaririzult.com ही खोलिए। आप इसका मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं फॉर्म पे, हम आईबीपीएस के आरआरबी पे क्लिक कर देते हैं। पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कुछ बेसिक, फिर हम फॉर्म भर के दिखाएंगे। दोस्तों फीस की बात करें तो इस बार जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फीस 850 रुपये है, एससी एसटी पीएच की 175 रुपये है। फॉर्म 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया, 21 जुलाई की लास्ट डेट है। और बात करें प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की तो 24-29 जुलाई होनी है, 24-29 अगस्त होनी है। और एग्जाम जो उसका प्री एग्जाम जो शेड्यूल है वो सितंबर से अक्टूबर तक है, और मेंस एग्जाम उसका नवंबर में। एज लिमिट की बात करें तो अलग अलग पूरा डिटेल दिया हुआ है। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफिस असिस्टेंट और स्केल वन दोनों का फॉर्म का भरने का जो तरीका एक ही है, इसलिए मैं आपको इसी का एक फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं पहले आपको बताता हूँ आपको सबसे पहले क्या करना है। चलिए ऑफिस असिस्टेंट में हम क्लिक कर देते हैं। आपको ये देखिए इसमें बैंक वाइज डिटेल दिया हुआ है, आपको इसको जो नोट कर लीजिए। देख सकते हैं जैसे बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, आर्यवर्त यूपी है, सब यूपी के बैंक है, सब अलग अलग बैंक है। आप देख सकते हैं सब पे डिटेल्स जो लिखा हुआ है, कौन सा बैंक किसका है। और यहाँ से रजिस्ट्रेशन का लिंक है, मैं आपको ऑफिसर स्केल वन का भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं स्केल वन में भी दिया हुआ है कौन सा बैंक कहाँ का है, जैसे ये एपी लिखा है तो आंध्र प्रदेश हो गया, जेएंडके जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इस तरह यूपी के बैंकों में यूपी लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको अपना जिस हिसाब से आप है, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से आपको सेट करना है। तो चलिए दोस्तों मैं फॉर्म को भर के दिखाता हूँ आपको क्लर्क का। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे एक विंडो आ जाएगी, चुपचाप हम उसको जो है बंद कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम डाल दिया आपने, सेकंड नेम, मिडिल नेम डाल दिया, अगर आपका मिडिल नेम नहीं है या लास्ट नेम नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा अपना कंफर्मेशन मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ आपको आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ जो ईमेल आईडी आपकी जहाँ पर होस्ट है उसको डालना है। इसी तरह यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैप्चा, जैसे जो आपका कैप्चा उस समय आ रहा है उसको डालना है, और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। दोस्तों जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं ग्रीन कलर में आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो शो कर रहा है, इसको आप एक जगह नोट डाउन भी कर सकते हैं और आपके मोबाइल पे भी आएगा, और नहीं आता तो आप इसकी एक फोटो खींच के रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको इसमें जरूरत पड़ती रहेगी तो आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको उसको यूजर आईडी पासवर्ड का काम पड़ता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर लगानी है, देख सकते हैं यहाँ फोटो लगानी है या सिग्नेचर लगानी है। सिग्नेचर आपको कैपिटल और ब्लॉक लेटर में नहीं करना है, आपको रनिंग हैंड में सिग्नेचर करना है। मैं फोटो सिग्नेचर लगाता हूँ, आगे चलता हूँ। दोस्तों जब आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर आपका यहाँ पे क्लियरली जो शो करने लगेगा। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों अब नेक्स्ट करके आगे आ चुके हैं। सबसे पहले आपकी कैटेगरी पूछा है, कैटेगरी में आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन पूछ रहा है आपका डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता का, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आगे आपको बढ़ते जाना है, यहाँ पे आपका माइनॉरिटी का पूछ रहा ऑप्शन, और यहाँ पे आपका पूछ रहा 1984 राइट्स में अगर आप प्रभावित है तो दे सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका एक्स सर्विस मैन का है, अगर आपका इसमें किसी में भी हो तो आप उसको यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिए। आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हो, तो मैं उसको हिंदू कर देता हूँ, अगर आपका कोई और रीजन हो तो आप उसको कर सकते हैं। दोस्तों जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत से लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि सर ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग क्या है, तो बता दूं मैं आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग केवल एससी एसटी और माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए ही होती है, उससे पहले और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए नहीं होती है। अगला ऑप्शन पूछा है कि आपने इससे पहले आरआरबी का एग्जाम दिया, अगर दिया है तो यस कर दीजिए, और यहाँ पे कितनी बार दिया है तो यहाँ पे आपको कंट्रोल दबा के देख सकते हैं, कंट्रोल दबा के आपको इस तरीके से ऐसे सिलेक्ट करना है।
कंट्रोल दबा के सेट कीजिएगा, नहीं तो आपका सिलेक्ट एक साथ नहीं होगा। आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन होता है, उसको ऐसे दबाना है और इस तरीके से सिलेक्ट करना है आपने कौन कौन सा आरआरबी के एग्जाम दिए, जो कैंडिडेट फ्रेशर उनको यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे अगला आपको सिटीजनशिप सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट आपको जो है किस स्टेट के लिए आपको सेंटर चाहिए वो सिलेक्ट करना है, फिर आपको एग्जाम सेंटर चूज कर लेना है प्री का मेंस का। अगला ऑप्शन है आपके डेट ऑफ बर्थ का, जैसे आप करेंगे इसको आपके यहाँ पे डेट आ जाएगी आपकी कितने साल उम्र है, मैरिड अनमैरिड, जेंडर डालना है, यहाँ पे आपको पिता का नाम डालना है, मदर नेम डालना है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपको अपने एड्रेस का जो पिन कोड है वो डाल देना। अगर दोस्तों आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है, उस पर आपको एड्रेस डालना है। अगर आपको एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका जो जीएसटी का बिल चाहिए वो आपको लोकल एड्रेस पे चाहिए कि परमानेंट एड्रेस पे, उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए वैलिडेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जरूर चेक कीजिएगा, जिस तरीके वेरीफाइड सक्सेसफुल आ रहा है तो आपका फॉर्म पूरा सही भरा है, फॉर्म में आपने कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़े हैं। तो चलिए दोस्तों हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको बाकी डिटेल्स भरनी है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने ग्रेजुएशन का डिटेल्स देना है, ग्रेजुएशन आपका किस स्ट्रीम से, साइंस है आर्ट है कॉमर्स है, उसको दे देना है। यहाँ पे आपका पूछा है ग्रेजुएशन आपने कब पास किया है, उसका डिटेल दे देना है आपको। यहाँ पे आपको परसेंटेज दे देना है अपना, नेक्स्ट आपको अपना डिवीजन दे देना है। अगला ऑप्शन पूछा आपका कंप्यूटर नॉलेज में क्या है, तो मैं जैसे मेरी बेसिक नॉलेज में बेसिक नॉलेज डालता हूँ, आपका कुछ और हो तो दे सकते हैं। अगला ऑप्शन पूछा है कि जो लोकल लैंग्वेज आपने कब पढ़ी है उसका आपको डिटेल देना है, जैसे मैंने हिंदी पढ़ी है तो मैं हिंदी दे दे रहा हूँ। अगला ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट का यानी कि वर्क एक्सपीरियंस का, अगर आपका कुछ है तो दे दीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए। अगला ऑप्शन कोड का पूछ रहा है, अगर आपका कुछ कोड का मैटर है तो दीजिए नहीं तो छोड़ दीजिए। अगला ऑप्शन आपका लैंग्वेज नोन का, आपकी लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं, रीड राइट स्पीक, तो मैंने हिंदी इंग्लिश कर दी, फिर मैं वैलिडेट करके देख सकते हैं वैलिडेट हो गया। अब हम दोबारा सेव एंड नेक्स्ट करके आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं केवल तीन बैंक के लिए मैं एलिजिबल हूँ क्योंकि मैंने यूपी डाला था। इन तीनों बैंक का डिटेल्स आपको जो है हमारी पोस्ट की जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा कि आपको किस बैंक में कितनी वैकेंसीज है, और साथ ही साथ ये डिटेल्स आपको केवल और केवल सरकारीरिजल्ट.com और रोजगारिरिजल्ट.com पे उपलब्ध है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन में भी उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इस तरीके से अपना सेट कर लेता हूँ, एक क्रम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जिस क्रम में आपको करना है उसका वैलिडेट कर लीजिए, हो गया वैलिडेट, अब हम नेक्स्ट करके आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़े नेक्स्ट करके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन पे टिक करना है, सिग्नेचर पे करना है, इसी तरह ऊपर आपको फोटो पे चेक करना है, उसका पूरा फॉर्म आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। कुछ भी करेक्शन है तो यहाँ बैक बटन का यूज करना है आपको, और आपको लगता है कुछ भी करेक्शन नहीं है तो फाइनल सबमिट करके आगे चलना है। दोस्तों ध्यान है अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा क्योंकि करेक्शन का कोई भी इसमें बाद में ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए अपनी स्पेलिंग वगैरह अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्जाम सेंटर सारी चीज़ अपने एक बार चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट कीजिए। तो मेरी सारी डिटेल सही है, मैं फाइनल सबमिट करके आगे चलता हूँ। दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे दो चीज मांग रही है, एक तो आपका मांग रहा है लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, दूसरा मांग रहा है आपका हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन। जी हाँ दोस्तों ये आपको कहाँ मिलेगा हैंड रिटर्न का डिक्लेरेशन, बहुत से लोग होते हैं अपने हाथ से मतलब कि नॉर्मल एक पेपर में हैंड रिटर्न लिख के सेल्फ डिक्लेरेशन लिख के लगा दिया, उसके बाद क्या होता है आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसका फॉर्मेट जो है दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मेट कहाँ पे दिया है। ये देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन के पेज नंबर 17 में ये दिया हुआ है कि आपको कैसे लगाना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लिखना है, उसके बाद ये चीज आपको हैंड राइटिंग लिखनी आई, उसके बाद अपना नाम डालना है, उसके इस तरह पूरा लिखना है आपको। आप देख सकते हैं आप इसके वीडियो को भी 2 मिनट पॉज करके जो है इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक चीज और बता दूं, जो हैंड राइटिंग आपको करना है ये केवल केवल इंग्लिश में ही करना है, अगर आप उसको किसी और लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएगा, देखिए साफ साफ इसमें दिया हुआ है, इसलिए आपको हैंड रिटन, इसलिए मैं यहाँ 2 मिनट के लिए वीडियो रोक रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है, ओवर राइटिंग मत कीजिएगा, कट वगैरह मत कीजिएगा, बिल्कुल साफ साफ लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको अपलोड करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा चीज़ें अपलोड हो चुकी है, देखिए हैंड रिटन भी हमारा अपलोड हो गया और हमारा लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी अपलोड हो गया, देख सकते हैं प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। अब हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और आगे चलते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं दोबारा हमको जो है कैप्चा आ रहा है, उस कैप्चा को हम डाल देते हैं, सबमिट करके आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों हम अपने पेमेंट ऑप्शन पे पहुंच चुके हैं, यानी कि हमारा फॉर्म लगभग कंप्लीट पे आ चुका है। तो आपको बता दूं उसका जो पेमेंट है आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एटीएम
इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड और यूपीआई, इन सब मेथड से कर सकते हैं। आपको हम हमेशा कहते हैं कि अपना कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी कभी भी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, पब्लिक कंप्यूटर पे यूज मत कीजिए, हमेशा अपने पर्सनल कंप्यूटर पे यूज कीजिए या तो प्राइवेट जो कंप्यूटर हो आपका, मोबाइल हो, उस पर यूज कीजिए और कभी भी किसी के साथ इस जानकारी को शेयर मत कीजिए। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो हमको जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।